नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। जमुई में गुरुवार को सिकंदरा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के धरसंडा गांव से चोरी मामले को लेकर की गई छापेमारी में दो आरोपित समेत दर्जनों की संख्या में जिंदा कारतूस और पिस्टल एवं देसी कट्टा बरामद किया गया है। थाने में पत्रकारों को जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष ध्रुव कुमार ने बताया कि आरोपित दोनों युवक पर सड़क लूट डकैती के कई मामले सिकंदरा और जसीडी थाने में दर्ज हैं। पीछे वाला लाइट डिस्टर्ब कर रहा है, पीछे वाला लिटवा जी ऑफ कर दो। बिहार में इन दिनों अपराध का ग्राफ चरम सीमा पर है। गया के व्यवसायियों और गया वासी कितने सुरक्षित हैं, संदर्भ में कांग्रेस मगध प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिंटू बिहार सरकार नीतीश कुमार पर हमला करते हुए बोला कि बिहार में नीतीश कुमार कमजोर सरकार है, नीतीश कुमार से सरकार चल नहीं रही है। नीतीश कुमार आला अधिकारियों से हाई लेवल की सिर्फ मीटिंग करते हैं और मीटिंग के कुछ घंटे बाद दिन दहाड़े दरभंगा में सोना व्यवसायी से करोड़ रुपए की लूट होती है। 24 घंटे के अंदर पटना से दो व्यवसायियों का अपहरण हुआ तो वहीं गया में दिन दहाड़े पशु चिकित्सक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बंधन बैंक के गार्ड को गोली मारकर लाख रुपए की लूट की गई। यह दर्शाता है कि बिहार में अपराध का बाजार गर्म है और नीतीश कुमार अपराध पर अंकुश लगाने में विफल हैं। नीतीश कुमार जी के सुशासन का पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में अपराध को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों के साथ घंटों हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ दरभंगा में दिन दहाड़े 5 करोड़ का आभूषण का लूट। नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में एक किसान को अपराधियों ने उस समय चाकू से गूंथकर निर्मम हत्या कर दी जब खलिहान में रखे धान के रखवाली कर रहे थे। मृतक की पहचान धर्मपुर गांव निवासी नरेश प्रसाद के रूप में की गई है। बताया जाता है कि किसान नरेश प्रसाद घर के बगल में बने खलिहान में धान की रखवाली कर रहे थे, इसी दौरान अपराधियों ने चाकू से गूंथकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद दलबल के साथ पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। रात शाम में खाना खा के आके खिरानी में सो रहे थे धान गोड़ने के लिए और रात में ध्यान दिए ना कौन आया, सुबह आके देखने पे लग मृत्यु लाश पड़ा हुआ था। जी जी, आपके पिता थे वो? जी पिता थे। क्या नाम था? नरेश प्रसाद। आपका क्या नाम हुआ? उपेंद्र कुमार। कोई से विवाद भी था का? जी नहीं सर। अररिया शहर में स्थायी बस स्टैंड बनाने की आश जगी है। अररिया शहर को अपना बस स्टैंड नहीं है जिस कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां से बिहार के अन्य जिलों के लिए बस मिलती है, बंगाल दिल्ली के लिए भी बस मिलती है। यात्रियों के लिए यहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने अभिरुचि दिखाई है। अररिया के मुख्य पार्षद रितेश राय ने पटना में मांग उठाई है। उनके मांग पर सचिव के माध्यम से अररिया बस स्टैंड के लिए 2 एकड़ जमीन के लिए सिंचाई विभाग को NOC के लिए निर्देश दिया है। स्थायी बस स्टैंड न होने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। यहां के लोगों का कहना है कि अररिया में बस स्टैंड न होने से सड़क किनारे बस लगती है जिस कारण जाम की स्थिति पैदा होती है। महिलाओं को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थायी बस स्टैंड बनने से लोगों को सुविधा मिलेगी। ऐसे ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। हम लोगों के पास राशि का बिल्कुल भी अभाव नहीं है और बिल्कुल ही बिहार के लिए एक मॉडल बस स्टैंड का निर्माण मैं नगर परिषद अररिया के माध्यम से करवाऊंगा। अररिया अब बस स्टैंड जो देख रहे हैं आप लोग, यह अस्थायी बस स्टैंड है। यह अस्थायी बस स्टैंड होने के कारण यहाँ पे डेली प्रतिदिन आने वाले दूर दराज से बाजार करने वाले व्यक्ति, कोर्ट कचहरी आने वाले व्यक्ति, चाहे डेली जो अपने ऑफिस में आने वाले कर्मचारी हैं, वो लोग ये अस्थायी बस स्टैंड पे कम जगह होने के कारण यहाँ हमेशा जाम का स्थिति बना रहता है।
बेगूसराय में सदर अस्पताल सहित निजी क्लिनिक के चिकित्सकों का एक दिवसीय हड़ताल किया गया है। इस हड़ताल में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह का इलाज बंद है। दरअसल आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति देने से आईएमए और भाषा के चिकित्सक नाराज हैं। चिकित्सकों के हड़ताल की वजह से निजी अस्पताल में ताले लटके हैं, तो वहीं सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा बंद रहने से दूर दूर से आने वाले मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आईएमए और भाषा के संयुक्त आवाहन पर डॉक्टरों का 12 घंटे का हड़ताल है, जिससे मरीजों को न तो निजी अस्पताल में इलाज हो रहा है और न ही सरकारी अस्पताल में। ताल किया गया है कि विभिन्न जो विशेषज्ञ हैं हर पैथी के, सबका अपना महत्व है, सबको आप एक न कर दें, मिक्सोपैथी न करें, और हर विधा के विशेषज्ञ को अपने अपने ढंग से जिसके उसको करने दें। इसीलिए मरीज के हित में, जनहित में और विशेषज्ञता के महत्व को देखते हुए हम लोग सरकारी डॉक्टर और आईएमए के डॉक्टर आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अपना अपना क्लिनिक बंद रखेंगे और ओपीडी सेवा बाधित है। अरे डॉक्टर साहब सर्वे काल के तहत मतलब जो इतना सुन लिए कि डॉक्टर साहब का हर साल छे डॉक्टर साहब नहीं बैठ पानी सब इएह सब सुनै छिए। काउंटर पर कोई बैठ नहीं रहा तर मतलब इएह न होलै की परेशानी आए रहे काला हजार के कहलकै कि जाइए अगला जे चेकियर छै ओ बतेलकै कि जाइए वहाँ सदर में पार्किंग जगह लगे नहीं छै तऽ की करत। आखिरी इसलिए ना तो कते परेशानी भले परेशानी तो भेल के बहुत बहुत परेशानी भले। बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर टीएमसी हमले को लेकर बिहार भाजपा के राष्ट्रीय शासक की आवाज बुलंद कर दी है। इस घटना से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा वार किया है। बाढ़ जिला इकाई प्रवक्ता दिलीप कुमार टुनटुन ने भाजपा नेताओं पर हुए प्राणघातक हमले को लोकतंत्र पर हमला बताया है। भाजपा नेता के अनुसार बंगाल में लगातार हो रही पार्टी वर्कर की हत्या ममता बनर्जी की बौखलाहट का नतीजा है। ऐसे में बंगाल से ममता की विदाई तो होगी ही, अब सूबे में राष्ट्रपति शासन की भी दरकार है। पूरे बिहार में इस सियासी हमले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष देखा जा रहा है। आज के डेट में बंगाल शासक जो है ममता जी, उनका जो कुकृत्य है, हमारे देशभक्त 130 देशभक्तों की हत्या किया गया और कल परसों में जो वहाँ हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कैलाश विजय वर्गीय पर हमला, साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर जो हमला हुआ है, ये प्रमाणित कर रही है कि बंगाल शासक भ्रष्टाचार और ये अपराधियों की शासक है, जो कि लोकतंत्र की हत्या करने में तो हल्का भी संज्ञान नहीं ले रही है और लगातार वहाँ निरीहों का हत्या, देशभक्तों की हत्या किया जा रहा है। तो हम तो डायरेक्ट राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं कि वहां पर निष्पक्ष चुनाव अगर जो करवाना है तो राष्ट्रपति शासन तुरंत लागू किया जाए, जिससे कि भारत में लोकतंत्र की सही व्यवस्था स्थापित हो बंगाल। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।